हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम अकाउंट पढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने अकाउंटिंग आपको पढ़ाया था और बताया था कि अकाउंटिंग में क्या क्या अकाउंटिंग क्या होती है और उससे संबंधित कुछ बेसिक जो हैं, जैसे कि परचेस हो गया, कि परचेस क्या होता है, सेल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों से बेसिक चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम अकाउंट पढ़ेंगे, देखेंगे अकाउंट क्या होती है। ठीक है, मैंने बताया था कि अकाउंटिंग जो बिजनेस का हमारे किया, तो एक लैंग्वेज होती है, जिसमें लैंग्वेज कहने का मतलब यह है जिसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस जैसे क्या स्टार्ट करते हैं, क्या परचेस करते हैं, कैसे सेल्स करते हैं, ये हमारी सारी अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग जान चुके थे। अब देखते हैं अकाउंट यानी कि जो हम जो बताया था जो कैपिटल परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, वो कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसके रिकॉर्ड को किस तरीके से रखते हैं, किस नियम से रखते हैं, वो हम किस में जानेंगे, वो हम अकाउंट में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे आपको सामने दिख रहा होगा अकाउंट क्या है, अकाउंट, और अकाउंट कहने का मतलब ये होता है, इसका हिंदी शब्द होता है खाता। अकाउंट्स क्या होता है, खाता, यानी कि इससे नाम से ही पता चल रही है कि इसमें हम जितना भी चीज़ें पढ़ेंगे वो खाता से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, कौन से हमारी अकाउंट बनेंगी और वो किस खाता के अंतर्गत आएगी और उसकी एंट्री कैसे होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अकाउंट होती क्या है। कह रहा है कि अकाउंट इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, इन द बुक इज नो एज अकाउंट। यानी कि कह रहा है कि अकाउंट जो है एक जो बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज होता है, क्या होता है, वाणिज्य दस्तावेज। कमर्शियल डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है वाणिज्य दस्तावेज। कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस से संबंधित जितने ट्रांजेक्शन यानी कि जितने रिकॉर्ड होते हैं, कितने गुड्स आए, कितने गुड्स, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना पैसा कितने को दिए हैं, कितना मतलब पेमेंट कराए हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें हम किस में रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड इस अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं जो हमारे ट्रांजेक्शन में आते हैं, कि हमने कितने का बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने कितने का परचेस किया है, कितने का हम सेल्स किए हैं, कितने का किसी को पेमेंट कराया है, रिसीव किए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पेमेंट किया है, एम्प्लॉय बिल कितना का पेमेंट किया है, ये सारी ट्रांजेक्शन क्या होगा वो हम अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। और उसके अकाउंट के 3 टाइप्स होते हैं जो हम अभी पढ़ाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से अकाउंट है और उसी के अंदर हम इसके ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, रखते हैं। तो मैं आपको बताया ना, अब समझ में आ गया होगा आपको कि अकाउंट क्या होता है, कि अकाउंट इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक इज नो एज अकाउंट। यानी कि अकाउंट जो है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या है, एक बुक है जिसे हम अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए अरे नीचे, अब देखिए कह रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी जो हमारा अकाउंट होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहने का मतलब ये होता है कि ये व्यक्तिगत खाता, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिगत खाता, इसमें जितना भी अकाउंट आएंगे वो सब पर्सनल चीज़ें, यानी उससे जो हमारी पर्सनल होगी वही हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी और ये व्यक्ति से संबंधित होगी, जो व्यक्तियों से संबंधित, यानी कहने का मतलब पर्सनल अकाउंट में हम व्यक्तिगत से संबंधित जो चीज़ें होगी वो हमारे किस में आती हैं, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब आ जाइए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कह रहा है कि वास्तविक खाता, जो इससे जो रियल अकाउंट होगा ये वास्तविक खाता होता है। अब वास्तविक खाता ये किसके अंतर्गत रखती हैं, ये एसेट यानी ये हमारे संपत्ति से संबंधित चीज़ें जो होती हैं वो हमारे रियल अकाउंट में आती हैं। ठीक है, अब आइए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट देखिए नामांक खाता होता है, इसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो हम एक्सपेंस करते हैं, क्या कोई चीज़ हम एक्सपेंस कर रहे हैं या फिर लॉस हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, ये किस में हमारे आती हैं, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। किस में आती हैं, नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। एक्सपेंस करना, ठीक है, लॉस हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, ये सारी चीज़ें हमारे नॉमिनल अकाउंट में आती है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहला देखिए पर्सनल अकाउंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, पर्सनल अकाउंट क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। कहने का ये कह रहा है ये कि जो व्यक्ति, वो अकाउंट ये होता है जो किसी व्यक्ति के नाम से, किसी संस्था के नाम से, किसी कंपनी के नाम से बनाए जाते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है आपका मोहन, एग्जांपल में दे रहा है, मोहन क्या होगा, हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। बैंक क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। ABC PBT LTD ये कोई कंपनी है, ये भी हमारी क्या होगी, पर्सनल अकाउंट होगी। और ये देखिए इंग्लिश
इंग्लिश यही शब्द है, इंग्लिश में दिखा गया है, इसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, ये देखिए, ये कह रहा है कि द अकाउंट विच आर, ठीक है, अकाउंट विच आर एसोसिएटेड विथ एनी टेड विथ एनी पर्सन इंस्टीट्यूट कंपनी आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कह रहा है यही चीज़ है कि जो अकाउंट किसी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट के तरह हैं। इसी के लिखा है कैपिटल बैंक ए पी बी सी टी एल टी डी कंपनी, ए बी सी पी बी टी एल टी डी कंपनी। ठीक है, तो जो हमारी कैपिटल क्या होता है, कैपिटल देखिए मैं आपको बता दूँ, जो हमारा बिजनेस का ऑनर होता है उसके नाम को ही हम उसको टैलिम जो हम रिप्रेजेंट कराते हैं तो उसका नाम नहीं लिखते, उसको हम कैपिटल के थ्रू रिप्रेजेंट कराते हैं, वही हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर भी आता है। अब आइए नीचे देखिए, अब हम कहते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, यानी कि हम पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल्स होगा वो पढ़ेंगे कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है, क्योंकि विदाउट रो गोल्डन रूल्स के हम इसमें जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट एक प्रकार का हमारा अकाउंट होता है जो किसी व्यक्ति के नाम से, किसी संस्था के नाम से ओपन होती है, जैसे कि मोहन बैंक, ए बी सी डी कंपनी, यानी किसी कंपनी के नाम से भी ओपन होती है, यानी कि किसी कंपनी का नाम हो, किसी संस्था का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, ये जो हमारे आएंगे ये किसके अंतर्गत आएंगी, ये हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। अब देखिए पर्सनल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल्स क्या कहता है, कहता है कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो पाने वाला होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, और क्रेडिट इज द गिवर, यानी कि जो देने वाला होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसमें जो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम, किसी क्या बोलता है कंपनी के नाम से जो अकाउंट ओपन होगी, अगर वो पा रही है तो डेबिट होगी, और उस अगर वो दे रही है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिख रहा है मिसेज जॉन वाज पेड आर एस यानी रुपीज कितना 3500 इन कैश, यानी कह रहा है कि मिस्टर जॉन को क्या है, मिस्टर जॉन को 3500 रुपया नगद दिया जा रहा है, दिए गए हैं, यानी कि मिस्टर जॉन को 3500 नगद दिए गए। ठीक है, या दिए गए थे या फिर दिए गए। ठीक है, तो मिस्टर जॉन को मिसेज जॉन को 3500 रुपये दिए गए किसके थ्रू, नगद के थ्रू। तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे आपको नाम से, यहाँ पे ट्रांजेक्शन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे पाने वाला कौन होगा, क्योंकि दिया जा रहा है, नगद दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, तो मिस्टर जॉन को। तो मिस्टर जॉन क्या होंगे, ये पाने वाली होंगी, और पाने वाला होता है वो, मिस्टर जॉन हमारे किसके अंतर्गत आएंगी, पहले हम इसमें अकाउंट ढूंढेंगे कौन से अकाउंट होगा, उससे बाद हम देखेंगे क्या डेबिट होगी क्या रिसीवर होगी। देखिए ये मिस्टर जॉन, ये नाम इससे पता चल जा रहा है कि किसी की नाम है, मिसेज जॉन, सॉरी मैं मिस्टर कर रहा हूँ, मिसेज जॉन, ये बता रहा है कि किसी, ये महिला का नाम है मिसेज जॉन, और वो क्या होती है, मैं आपको भी बताया हूँ कि जो किसी व्यक्ति के नाम से, किसी संस्था के नाम से और किसी कंपनी के नाम से अगर कोई अकाउंट हम ओपन करते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट के आते हैं। तो ये आपको यहाँ दिख रहेगा मिसेज जो जॉन है वो किसी व्यक्ति का नाम है, यानी किसी महिला का नाम है, और ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगी, ये हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगी, किसके अकाउंट के अंतर्गत आएंगी, ये हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। और पर्सनल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। अच्छा, यहाँ ये बताइए, यहाँ जो मिसेज जॉन है वो पा रही हैं या दे रही हैं, यहाँ मिसेज जॉन पा रही हैं या दे रही हैं, कह रहा है कि मिसेज जॉन को 3500 रुपया कैश नगद में दिया जा रहा है या दिए गए हैं। तो मिस्टर जॉन को 3500 नगद दिए गए, तो ये दिया जा रहा है इनको, तो ये क्या होंगी, ये पाने वाले होंगी, तो पाने वाली क्या होंगी, ये डेबिट, क्या होंगी, डेबिट। यहाँ आपको दिख रहा होगा, लिख रहा है डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाला डेबिट, तो मिसेज जॉन क्या है, पाने वाले हैं, तो ये क्या होंगी, डेबिट। आपको यहाँ दिख रहा होगा, अभी समझाएंगे अच्छे से। अब आ जाइए ये कैश, कैश क्या होती है, तो अभी मैंने आपको कैश बताया नहीं, इसको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ मुझे डेबिट और क्रेडिट चार्टना है। और मैं जनरल एंट्री करते समय देखिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पहली डेबिट फिर क्रेडिट, क्योंकि जनरल एंट्री में हम पहले डेबिट को रखते हैं उसके बाद क्रेडिट को रखते हैं। ठीक है, तो आपको डेबिट ही मिल गया, डेबिट क्या होगा, मिल गया कि डेबिट क्या होगी, ये हमारी मिसेज जॉन होंगी जो पाने वाली है, इसलिए क्या होंगी, डेबिट होगी। अब हमें क्रेडिट ढूंढना है, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर दो अकाउंट मिल रहा है, मिसेज जॉन मिल रही है और एक कैश, क्योंकि कैश के नगद ही दिया जा रहा है ना, तो कैश हमारा क्या होगा, ये रियल अकाउंट होगा, मैं आपके आगे के वीडियो में बढ़ाऊंगा रियल अकाउंट क्या होती है। तो ये रियल अकाउंट नगद रियल अकाउंट होगा, और रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल्स कहता है,
ठीक है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या कहता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स कहता है कि डेबिट वाट कमी, यानी कि जिसके पास आता है वो डेबिट होता है और जिसके पास से जाता है वो क्रेडिट होता है। तो कैश के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी कैश नगद जा रहा है किसके पास, मिस्टर मिसेज जॉन के पास। तो इसलिए इसके पास से जा रहा थी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अभी हम आपको रियल अकाउंट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। अब आ जाइए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब इसको देखिए एग्जांपल के थ्रू, इसमें देखिए इसको फॉर्मेट थ्रू समझते हैं। देखिए ये अकाउंट हुआ, ये डेबिट टाइप, ये क्रेडिट टाइप, ये अप्लाई टाइप। अब देखिए कह रहा है मिस्टेक, अकाउंट कौन सा मिल रहा है, दो अकाउंट है, मिसेज जॉन अकाउंट है और टू कैश अकाउंट है। क्योंकि आप जानते हैं जो जनरल एंट्री में हम जो जनरल एंट्री में जब हम उसकी एंट्री करें, मैनुअल एंट्री करते हैं, तो हम लिखते हैं मिस्टर, यानी कि किसी अकाउंट की लिखते हैं पहले कि अकाउंट का नाम लिखते हैं, फिर से टू करके, और जो हम टू करके नीचे जो उसका अलग जो अकाउंट होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि अकाउंट हमारा दो मिला है, पहला मिसेज जॉन और कैश। तो कह रहा है कि मिसेज जॉन क्या है, अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब आ जाइए, तो मिसेज जॉन क्या है, पर्सनल अकाउंट है, मैं आपको बताया था मिसेज जॉन किसी का नाम है मिसेज जॉन, ठीक है। और ये किसके आएंगे अंतर्गत, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी, और ये क्या होगी, डेबिट। तो डेबिट होगी ना, तो इसलिए डेबिट, और कितना डेबिट हो रहा है, 3500 यहाँ लिख लेंगे, कितना 3500, ठीक है। यहाँ पे वो लिखे नहीं है, सॉरी चेंज हो गए। अब यहाँ पर कितना 3500, अब मिसेज जॉन को क्या हो रहा है, 3500 यानी डेबिट, 3500 डेबिट मतलब प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिए पाने वाली है, डेबिट पाने वाली है, मिसेज जॉन क्या हो रही है, 3500 रुपये पा रही हैं। अब आ जाइए रियल अकाउंट, कैश क्या होती है हमारा, रियल अकाउंट, सॉरी इसको यहाँ पर लिखना चाहिए लेकिन ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, इसको काट दीजिए, यहाँ पर आ जाइए रियल अकाउंट। ये क्या होती है, रियल, रियल और अकाउंट, ठीक है। अब देख लीजिए रियल अकाउंट, सॉरी यहाँ पे आपको रियल अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा कि जो टू कैश क्या है, अभी मैं आपको बताया हूँ रियल अकाउंट होगा, और रियल अकाउंट क्या होता है, कहता है कि देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है, जिसके पास आता है वो क्रेडिट, जो कोई चीज़ आएगी हमारे पास, क्योंकि रियल अकाउंट में जो हमारी होगी वो संपत्ति संबंधित होगी, यानी कि जितना भी संपत्ति होगी उससे भी संबंधित होगी वो, और रियल अकाउंट हमारी जो संपत्ति संबंधित होगी, तो हमारा कैश क्या होगा, नगद पैसा क्या है, संपत्ति ही ना, तो ये एसेट है ना, एसेट ही है ना, तो इसलिए क्या होगा, तो कह रहा कि उसका गोल्डन रूल्स कहता है कि जो आने वाली जो चीज़ हमारे पास, यानी जो एसेट आती है वो डेबिट होती है, आ जाती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यहाँ जब मिस्टेज जॉन को दे रहे हैं कितना, 3500, तो ये जा रही है ना, इसलिए क्रेडिट होगी। तो क्रेडिट होगी तो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्रेडिट होगी, तो इसलिए इसमें क्या लिख देंगे, टू रियल टू कैश अकाउंट, कितना 3500, यहाँ पर लिख देंगे, समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर आपको लिख रहा है अप्लाइड, कह रहा है डेबिट द रिसीवर, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट क्या था, डेबिट द रिसीवर, यानी कि ये पाने वाला था, इसलिए क्या हुआ, ये डेबिट हुआ। अ क्रेडिट द गोज आउट, यानी कि इसके पास से जा रहा है ना, इसके पास से जा रहा है ना, तो जा रहा है इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। चलिए अब आपको रियल अकाउंट पढ़ाते हैं, देखिए रियल अकाउंट पढ़ा दूंगा तभी आपको समझ में अच्छे तरह से आ जाएगा, फिर से आपको रिविजन भी करा दूंगा। आ जाइए देखिए रियल अकाउंट क्या होता है, कह रहा है कि वास्तविक खाता, कह रहा है कि वो खाता जो किसी वस्तु या संपत्ति से, जो किसी वस्तु या संपत्ति से आदि से संबंधित होते हैं, रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता कहलाते हैं। तो संपत्ति क्या होगी हमारी, जैसे कि कैश हो गई यानी नगद, कंप्यूटर हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गई, एसेट यानी संपत्ति हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, संपत्ति से संबंधित होगी, और ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। और रियल अकाउंट का जो हमारा गोल्डन रूल्स आपको दिख रहा होगा कि गोल्डन रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल्स क्या कहता है कि कम इन, यानी कि जो आने वाली होती है ये क्या होती है, आने वाला डेबिट, आने वाला डेबिट, कम इन वाला डेबिट। और यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे कम इन नहीं रहेगी, यहाँ पे गोज आउट रहेगी, क्या रहेगी, गोज आउट, गलती हो गई, टाइप करते समय गलती हो जाती है, क्या होगी, गोज आउट। तो गोज आउट क्या होगी, क्रेडिट होगी, यानी कि जाने वाला क्या, क्रेडिट। समझ में आया आपको ना, कि अगर कोई संपत्ति से चीज़ें, यानी कि कैश हो, कंप्यूटर हो, मशीनरी हो, फर्नीचर या एसेट हो, वो हमारे पास आ रही है तो क्या होगी, आ रही है तो आने वाली, यानी कमिंग हो रही है तो क्या होगी, डेबिट होगी, लेकिन अगर गोज आउट हो रही तो क्रेडिट होगी। यहीं पर आपको दिख रहा होगा, देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये गोज आउट हो रही थी ना,
यानी कि अब हम 3500 रुपये या नगद जो हमारा कैश है ये हम मिस्टर जॉन को दे रहे हैं ना, यानी इनको पैसा हम नगद को दोबारा दे रहे थे ना, पेमेंट करा रहे थे ना, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, इसके पास जा रहा था कैश के पास, यानी कैश जा रहा था किसके पास, नगद जा रहा था किसके पास, मिसेज जॉन के पास, इसलिए क्या हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है। अब समझ में आ गया आपको, अब आ जाइए नीचे, अब नीचे आ जाइए, अब आपको गोल्डन रियल अकाउंट भी समझ में आ गया होगा कि ये संपत्ति ये एसेट से संबंधित होगी, यानी संपत्ति से संबंधित होगी, जो हमारे कैश कंप्यूटर मशीनरी फर्नीचर ये सब हमारे संपत्ति ही है, और ये हमारे चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत ही है। और इसका आपको गोल्डन रूल्स भी मालूम हो गया होगा कि आने वाले यानी कमिंग जो होगा वो डेबिट होगा, और जो गोज आउट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब आ जाइए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टार्ट बिजनेस विद कैश डिपॉजिट, कह रहा है कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश डिपॉजिट, ठीक है, 5000 बाई कैश, यानी कह रहा है कि एक हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कैश में जमा करके, मतलब कैश के थ्रू जमा कर रहे हैं, यानी कैश के थ्रू जमा करके क्या कर रहे हैं, किसमें कैश, यहाँ पे कह रहा है बाई कैश, यानी कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी नगद जमा कर रहे हैं किसके कैश को, कितने 5000, और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई बिजनेस का ओनर है, वो 5000 रुपये लेकर क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा दो अकाउंट बनेगा, कौन सा, पहला कैपिटल अकाउंट बनेगा, क्या पहला हमारा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, यहाँ आपको दिखा देते हैं, पहला हमारा, सॉरी आपको अच्छे से लिख के दिखाते हैं, देखिए माउस से लिखाना जा रहा है, आपको हम अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखा होगा, पहला हमारा जो अकाउंट होगा कैपिटल, यानी कि जो बिजनेस का ओनर होगा, मैं आपको बताया था कि यहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट की जा रही है, ठीक है, देख लेते हैं बिजनेस को क्या की जा रही है, स्टार्ट की जा रही है, तो जब बिजनेस स्टार्ट की जा रही है तो बिजनेस स्टार्ट करने वाला कौन होगा, कोई ओनर ही होगा, बिजनेस का ओनर ही होगा जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा। तो हमने आपको पहले ही अकाउंटिंग में ही में मैंने आपको बता दिया था कि जो बिजनेस का ओनर होता है, या इसमें भी मैंने पर्सनल अकाउंट में ही बताया कि जो बिजनेस का ओनर होता है उसी को हम कैपिटल के थ्रू रिप्रेजेंट कराते हैं, और बिजनेस के ओनर को हम कैपिटल के थ्रू रिप्रेजेंट कराते हैं, और वो हमारा किसी बिजनेस का ओनर जो होगा उसका किसी का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो इसलिए वो हमारा क्या होगा, वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, और जो हमारा कैश है वो क्या होगा, यानी ये एसेट यानी संपत्ति से संबंधित है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारी कैश ये केस के रियल अकाउंट के अंदर आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये बताए हैं कि जो हम जनरल एंट्री करते हैं, तो जनरल एंट्री में मैंने आपको बताया था पहले हम डेबिट करते हैं, यानी पहले हम डेबिट को रखते हैं फिर क्रेडिट को रखते हैं। तो यहाँ पे हम देख ये रहे हैं कि जो बिजनेस का ओनर स्टार्ट कर रहा है अब 5000 रुपये से, तो यहाँ पर डेबिट कौन होगा, तो यहाँ पर जो पाने वाला होगा वो डेबिट होगा, और जो देने वाला वो क्रेडिट होगा। तो देखिए जब बिजनेस का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेगा 5000, तो जो हाँ भी स्टार्ट करेगा देगा ना, यानी कि ये 5000 रुपये देगा तभी तो बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिना दिए आप कोई भी चीज़ अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ उसमें पैसा लगाएंगे देंगे तभी तो उसमें आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, विदाउट पैसा लगाए किसमें कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये 5000 क्या कर रहा है, वो दे रहा है किसके थ्रू, कैश के थ्रू। तो हमारा देने वाला अब किसको दे रहा है, कैश को दे रहा है, इसलिए हमारा कैश क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट का हमारा जो कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा रहा है रियल अकाउंट कैश, और हमारा रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल कहता है कि आने वाला क्या होता है, डेबिट। तो ये 5000 हमारा हमारे पास किसके थ्रू आ रहा है, बिजनेस के ओनर के पास किसके थ्रू आ रहा है, कैश के थ्रू आ रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और डेबिट आगे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5000। ये हम आपको कल की वीडियो में हम रखेंगे यहाँ पे लाइव, हम आपको सामने अच्छे से और समझाएंगे, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसमें फिलहाल में हम PDF के थ्रू आपको समझा रहे हैं, इतना समझिए बस, आपको हम ये PDF के थ्रू आपके जो हम अकाउंट यहाँ पर हम आपको जनरल एंट्री नहीं करा रहे, सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे उसकी एंट्री होगी, ठीक है। हम जनरल एंट्री करके वीडियो में पढ़ेंगे, अब वहाँ पे हम आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, उस पे हम आपको बताएंगे कि इसकी जनरल एंट्री एक एक बेसिक चीज़ें बताएंगे कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आपको बताया रियल अकाउंट यानी कैश, यानी कि इस कैश के पास आ रहा है, यानी बिजनेस के पास, बिजनेस जो ओनर है उसके पास कैश के थ्रू आ रहा है पैसा,
तो इसलिए क्या होगा, डेबिट होगा। कैश क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि रियल अकाउंट हमारा गोल्डन रूल कहता है कैश के जो डेबिट यानी आने वाला क्या होता है, डेबिट। तो कैश के थ्रू ये 5000 हमारा किसके थ्रू आ रहा है, कैश के थ्रू आ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। अब आ जाइए हमारा बिजनेस ओनर के जो किसी का नाम, जो बिजनेस ओनर होगा वो कोई किसी का नाम होगा, ठीक है, कोई बिजनेस ओनर कोई व्यक्ति होगा ना, वही तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा। अब बिजनेस ओनर को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कराते हैं, कैपिटल के थ्रू रिप्रेजेंट कराते हैं। हमारा कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट कहता है। अब पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट यानी डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो पाने वाला होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाला क्या, डेबिट, और देने वाला क्या, क्रेडिट। अब आ जाइए, अच्छा ये बताइए, यहाँ जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हम पा रहे हैं या दे रहे हैं, तो जो बिजनेस का ओनर होगा वो देगा ही ना, कैश पैसा देगा, यानी कैश के पास उसके पास तो पैसा आएगी। अब ये कैश क्या होगी, किसी जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके पास ये कैश आएगी नहीं, जाएगी, यानी कि जहाँ मानिए बिजनेस स्टार्ट कर किसी को देगा ना, तो इसलिए वो क्या होगा, कैश हमारा डेबिट होगा, और कैपिटल जो हमारा बिजनेस का ओनर होगा वो पैसा लगाएगा यानी देगा, इसलिए वो क्या होगा, उसके पास से पैसा जाएगी यानी देने वाला होगा, इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट। और क्रेडिट में यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पर लिख देंगे कितना, 5000। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, नॉमिनल अकाउंट आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, मैं आपको बताया था ये नामांतर खाता होता है, कह रहा कि वो खाते जो लाभ हानि या आय या व्यय और क्रय विक्रय से संबंधित हों वो क्या होते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कह रहा कि द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंस एंड परचेस सेल्स इज आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, यानी कि वो खाते जहाँ पे हमको प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, इनकम होती है, एक्सपेंस होती है, या परचेस करते हैं या सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंतर्गत आती हैं, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत हैं। ऐसा एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है, इसके इंटरेस्ट कहने का मतलब यह क्या, कोई हम पैसा यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत है कि नॉमिनल अकाउंट करता है कि, या डिस्काउंट कर रहे हैं, किसको डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट, वेजेस यानी मजदूरी पेमेंट करा रहे हैं वो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट, परचेस कर रहे हैं वो भी नॉमिनल अकाउंट, सेल्स कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है वो भी क्या होगी, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। अब आ जाइए गोल्डन रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या कहता है, देखिए नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स कहता है कि लॉस एंड एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, यानी कि जहाँ हानि और खर्च होती है वो हमारी क्या होती है, डेबिट होती है, और प्रॉफिट एंड इनकम लाभ या आय हो यानी कि प्रॉफिट हो या फिर आय हो, यानी कोई चीज़ हमारे पास आए वो क्या होती है, क्रेडिट होए, आय मतलब इनकम हो वो हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। समझ में आया ना, यानी कि जो हमारी लॉस होगी वो लॉस हो या एक्सपेंस, यानी जो हमारे पिछले लॉस होगी या एक्सपेंस होगी वो हमारी क्या होगी, डेबिट। कहने का मतलब ये है, मानिए हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट देंगे तो हमारी क्या होगी, लॉस ही होगी ना, एक्सपेंस ही होगी ना, तो वो क्या होगी, हमारे इसमें आ गई, ये क्या होगा, डेबिट होगा। परचेस कर रहे हैं तो हम मानिए परचेस कर रहे हैं तो भी क्या, यहाँ पे भी क्या कर, एक्सपेंस ही कर रहे हैं ना, तो भी क्या होगी, डेबिट। इस प्रकार की जो होगी वो हमारी डेबिट होगी, जहाँ पे हमारे एक्सपेंस होगा लॉस होगा वो डेबिट होगी, और जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा वो हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। यानी कि यहाँ पे देखिए सेल्स कर रहे हैं, तो जब सेल्स कर रहे हैं तो हम किसी की चीज़ को बेचेंगे तो वो हमारे पास पैसा रिसीव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट होगी ना, तो ये क्या होगी, हमारी क्रेडिट होगी। समझ में आ गया ना आपको, समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं, जनरल एंट्रीज के लिए आपका गोल्डन रूल बनाना पड़ेगा, ऐसे आप बना लीजिएगा कि डेबिट व्हाट कम इन रियल अकाउंट, ठीक है, जो एसेस से संबंधित होती है, ये हम आपको कल के वीडियो में बनाएंगे, तो ये हम आपके फॉर्मेट बना देंगे सामने, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए कह रहा कि डेबिट व्हाट कम इन, यानी कि ये डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट किसके अंतर्गत होती है, ये किसका गोल्डन रूल है, ये रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है। अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल किससे संबंधित होता है, एसेस यानी संपत्ति से संबंधित होता है। अब आ जाइए नीचे, कह रहा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और देखिए जो पैसा प्राप्त करता है, यानी कि पैसा आता है या फिर पैसा जाता है, तो जो प्राप्त करता हो या फिर देने वाला हो वो किसके अंतर्गत आते हैं, पर्सनल अकाउंट करते आते हैं। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट का जो हमारा किससे संबंधित होता है, ये पर्सनल चीज़ें से संबंधित होता है, यानी कि पर्सन से, यानी व्यक्ति से या किसी से, देखिए पर्सन का रहा ना, यानी किसी व्यक्ति से, किसी संस्था के, किसी कंपनी के नाम से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होता है। अब कह रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। कह रहा है कि
जो जहाँ पे हमारे जो डेबिट एक्सपेंस हो और या लॉस हो या फिर इनकम हो या प्रॉफिट हो वह किससे संबंधित होते हैं, ये हमारे किससे गोल्डन रूल है, ये नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, एक्सपेंस या इनकम होती है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम इतना रहने देते हैं और कल की वीडियो में हम इसी के ही थ्रू हम आपको समझ, मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा अकाउंट समझ में आ गया होगा और कल के वीडियो में हम इसी सारे अकाउंट के थ्रू ये जो है नॉमिनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसी के गोल्डन रूल्स जो मैं आपको ये लास्ट में दिखाया हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए लास्ट में जो जो यहाँ पर दिखा है ये गोल्डन रूल जो बनाया फॉर्मेट, यही फॉर्मेट बनाना है, इसी फॉर्मेट पे इसी गोल्डन रूल्स पे हम कल जनरल एंट्री करना सीखेंगे और देखेंगे कि देखिए हमारे जनरल एंट्री कैसे होगी। ठीक है, तो आज की इतना ही आने देते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और जय हिंद।